गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और अमृतसर से आज निकल रहे हैं, किसी दूसरे जगह पे कहाँ जा रहे हैं ये आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अमृतसर में जहाँ पे मैं रुका था वो है ये डोमेट्री, ये हमारा बिस्तर था तामझाम। आप सब समेट रहा हूँ जल्दी जल्दी से, वो मेन गेट है, वहाँ पे लिफ्ट है, वहाँ पे टॉयलेट है। का सारी डिटेल्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो पूरा अमृतसर यहीं पर आके बस गया। सामने बस स्टैंड है HK बैकपैकर। जो सूरत में चलता था बस, ये वाला, इसी बस के थ्रू आप जा सकते हैं। ये व्हीलचेयर फ्रेंडली होता है, देखना पड़ेगा। इंडिया गेट के लिए टिकट ले रहा हूँ मैं। तो इसका नाम क्या है सर, इस पूरे सिस्टम का? BRTS। BRTS, ये मेरा टिकट रहा गाइस, ले लेता हूँ। और यहाँ से मैं दिल्ली में, जो इंडिया गेट है वो तो है, लेकिन एक यहाँ भी इंडिया गेट है, जब आप पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो मिलेगा। बस आएगी और इस पर सीधा बैठ जाना। बस के लिए थोड़ी सी लेन बनी हुई है, और एक तरफ इधर एक तरफ इधर। जो बस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये मैंने अभी तक इंडिया में 2-3 जगह देखे हैं। पहला मैंने गुजरात के सूरत में देखा था, अहमदाबाद में भी देखा था, अमृतसर में देख रहा हूँ। टिकट कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, इंडिया गेट 5 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये स्टेशन का नाम मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। 10 रुपये का टिकट। बस आ रही है ये वाली बस, ये बस, जैसा कि बस पे सवार हो चुके हैं। ये बस के अंदर पूरा, दिल्ली में ऐसी फैसिलिटी नहीं है इस तरह का, पूरा व्हील चेयर लेके अंदर आ गया। इक्वल तो है, समतल नहीं है, थोड़ी सी ऊपर नीचे। एक हाथ जो है बस की जो थिकेंस थी वो नीचे थी, ज़मीन जो है ऊपर है। 5 किलोमीटर का बैटरी बचेगा मेरा। वहाँ से पार के सटा के लगाए, थोड़ा सा वो गैप है, रहता ना वहाँ पे थोड़ा गैप रहता है, गैप रहता है हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो फिसल जाता है वो तो है। हाँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा करीब सटा के लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, थैंक यू। देखो सामने इंडिया गेट है। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि काफ़ी उम्दा रहा, 5 किलोमीटर मैंने ये सफ़र इस बस के थ्रू किया। अगर आप कभी अमृतसर आएँ तो इस बस का आनंद ज़रूर लें। देखा पे क्या है कि फुल्ली एक्सेसिबल है, यहाँ से आप उतरिए सीधा और बस को देख लीजिए कि कहीं से आ तो नहीं रहा, फिर ही आप सीधा जाके सीधा सड़क के मर्ज में हो जाए, सड़क में मर्ज कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ से आप फिर सीधा सड़क में मर्ज हो जाएंगे। दिल्ली वाला इंडिया गेट नहीं, ये अमृतसर आखिरी, जब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक या कोई भी देश का नागरिक जब भारत आता है घूमने के लिए तो उसको इसी गेट से होके गुजरना पड़ता है, तब वो भारत के किसी शहर गांव में जा सकता है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। थैंक यू जी। भारत यात्रा जी, जी जी। ये देखो आर्मी वाले जा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अमृतसर शहर जैसे ही ख़त्म होता है आर्मी वाले का गश्त शुरू हो जाता है। कोई गश्त कर रहा है स्कूटर से, कोई बाइक से, जिस पर डाउट हो रहा है उसको पूछा जाता है। तो यहाँ से अब आपको समझ लो, यूँ मान लो कि अब यहाँ से आप आज़ाद नहीं हो। हर एक आर्मी वाले के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होगा, उसे बताना होगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। घोड़े पे तुम्हारा सवाल। जूस पी लिया तो केतारी का जूस पी रहा हूँ भाई। क्या क्या कहूँ,